पटना दिल्ली और पूरे भारत का नंबर वन इंस्टीट्यूट बैंकर्स अड्डा, जिसमें बैंक, एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है आपके अपने शहर सीवान में। अधिक जानकारी के लिए पहुंचे एहसान मार्केट, विशाल मेगा मार्ट के बगल में सीवान में, या कॉल करें 99739 19272 या 8107771290 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। कालिका तीज को लेकर शहर के महादेवा मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के पुजारी से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा भी सुनी। आपको बता दें कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और युवतियां मनचाहा वर के लिए हर कालिका तीज पर्व को करती है। तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समय पहुंचे ही गिर पड़े और थोड़ी देर बाद इसी से हिस्ताई का नाम पड़ा। पार्वती ने कहा कि प्रभु आपने नाम तो बताया, अब इसके स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहते हो, एकत्र कर मेरी पूजा करें, रात भर जागरण करें, जो पत्नियां गिनाई गई हूँ अतिरिक्त नारियल सुपारी। हम सुहागिन औरतें अपने पति के लंबी आयु के लिए ये तीज व्रत करते हैं। माता पार्वती जी ने अपने शिव जी के पाने के लिए तीज व्रत किया था, इसलिए हम लोग भी करते हैं। क्या क्या कैसे आप लोग करते क्या इस पर्व को कैसे कैसे करते कैसे मनाया जाता, क्या क्या रस्में होती हैं? हम लोग एक दिन पहले नहा खा के उसके बाद पूजा रखते हैं और उसके दूसरे दिन व्रत रखते हैं। शाम को हम लोग विधि पूर्वक गणेश, पार्वती और शिव की पूजा करते हैं। तीज व्रत एक युग युगांतर से चला आ रहा है, सदियों से ये मनाया जाता है, हर युग से ये आया है कि तीज मनाया जाए पति के आयु के लिए। पार्वती ने शिव के लिए की थी, इसीलिए शिव पार्वती बोले कि इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो शिव बोले कि इसकी जितनी धरती पर नारियाँ आएगी सब व्रत करेगी और ये व्रत पति के नाम से प्रचलित होगा, इसका नाम तीज रहेगा, इसीलिए भादो में इसको मनाया जाता है। भादो का जितना फल होता है उतना इसमें चढ़ाया जाता है और विधि पूर्वक से मनाया जाता है, जैसे केला हुआ, सेब हुआ, क्या बोलते हैं, मिठाई हुई, ये सब बेलपत्ती हुई, भगवान को चढ़ाते हुए बहुत सारी मन्नतें मानी जाती है और अपने पति की बहुत बहुत मतलब लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, पूरा दिन रहा जाता है और एक दिन बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है। इस व्रत का मान्यता ये है कि औरतें जो तीज व्रत करती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और ये व्रत महादेव शिव शंभु का है जो कि बहुत प्रचलित है हमारे देश में। तीज का बहुत ही महत्व है, आज के दिन औरतें तीज भूखती हैं और 24 घंटा के ये व्रत रखती हैं, 24 घंटे के बाद ही वो अपना नहा धोकर पारण करती हैं और अपने पति के लंबी आयु के लिए कामना करती हैं कि हे शिव, हे शिव शंकर, हमारे पति की लंबी आयु।